तो ये वाला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों कि इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक एसी करंट है ईएमएफ ईएमएफ एंड करंट एट एनी इंस्टेंट इक्वेशन से यहाँ से दिया हुआ दिस इज इक्वेशन फर्स्ट दिस इज इक्वेशन सेकंड तो हमें एवरेज पावर निकालना है तो देखो अगर मुझे एवरेज पावर निकालना है तो सिंपली जो पावर एवरेज का जो डिफिनेशन होता है वो होता है आई आर एम एस वी आर एम एस और यहाँ से कॉस आई करेंट और वोल्टेज के बीच का फेज का डिफरेंस तो यहाँ से जो है आ, ये जो ई एम एफ ई इज इक्वल टू यहाँ से ई नॉट साइन ओमेगा टी दिया हुआ है तो ये वाली जो ये यह, यहाँ से वी आर एम एस की जो वैल्यू आती है वो भी नॉट बाई यहाँ से रूट टू आ जाएगी और जो करंट का इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ से करंट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई तो यहाँ से जो ये वाली जो करंट होती है मैक्सिमम करंट होती है आई होप कि आप सबको पता होगा ये मैक्सिमम वोल्टेज है और ये मैक्सिमम करंट है तो जो आर का फार्मूला होता है जो आर होता है तो यहाँ से आई आर की वैल्यू आ जाएगी आई पी करेंट बाई रूट और यहाँ से इन दोनों इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में जो करंट और बोझ में जो फेज का डिफरेंस है डेल्टा फाइव फेज मतलब क्या होता है इस एंगल का डिफरेंस कौन से एंगल का जो साइन या कॉस का एंगल है इस इसके ये एंगल और इस एंगल के डिफरेंस को भी हम फेज बोलते हैं तो अगर तुम देखोगे यहाँ से फेज का डिफरेंस मैं कैलकुलेट करूँ तो डेल्टा फाइव जो आ जाएगा वो फेज ओमेगा टी और यहाँ से ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव कुल मिला के जब कॉस आ रहा है तो प्लस माइनस आए आप इसमें से इसको भी घटा देते हो कोई दिक्कत नहीं फेज डिफरेंस डेल्टा पाई तो ये तीनों रख दोगे यहाँ तो एवरेज पावर जो आ जाएगा वो आ जाएगा ई नॉट बाई रूट टू प्लस आई नॉट बाई रूट टू और यहाँ से कॉस पाई फेज का डिफरेंस पाई है तो यहाँ से ई नॉट बाई आई नॉट बाई यहाँ से टू और यहाँ से कॉस पाई डायरेक्ट फार्मूला है आई होप कि आपको ये फार्मूला ही याद होगा दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन अपना सही हो जाता है